इंद्र ने कहा, गुरुदेव, देवताओं का दानवों के साथ यह अत्यंत भयंकर संघर्ष आ पहुंचा है। अब इस विषय में क्या करना चाहिए, उपाय सहित वह नीति बतलाइए। इंद्र के इस वचन को सुनकर वाणी के अधीश्वर उदार बुद्धि वाले महान भाग्यशाली बृहस्पति इस प्रकार बोले, सुरश्रेष्ठ, इस प्रकार की चतुरंगिणी सेना पर विजय पाने की इच्छा रखने वालों के लिए साम पूर्वक नीति बतलाई गई है। यही सनातनी स्थिति है। नीति के साम, भेद, दान और दंड, ये चार अंग हैं। राजनीति के प्रयोग में क्रमशः देश, काल और शत्रु की योग्यता आदि का क्रम देखना चाहिए। इनमें दैत्यों पर साम नीति का प्रयोग तो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें आश्रय प्राप्त हो चुका है। वे मदमत्त हैं। जाति धर्म के अनुसार भेद नीति का प्रयोग करके उनमें फूट भी नहीं डाला जा सकता, तथा जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त हैं उन्हें दान देने से भी क्या लाभ होगा। अतः इन पर एकमात्र दंड का ही उपाय उपयुक्त प्रतीत हो रहा है। यदि आपको मेरी बात रुचती हो तो इसी का अवलंबन कीजिए, क्योंकि दुर्जनों के साथ की गई साम नीति एकदम निरर्थक होती है। क्रूर लोग महात्माओं द्वारा प्रयुक्त की गई साम नीति को भयवश की हुई मानते हैं। अतः उनके साथ की गई सरलता, उदार बुद्धि का प्रयोग और दया नीति का विपरीत परिणाम होगा। दुर्जन लोग साम नीति को भी सदा भयभीत होने के कारण प्रयुक्त की हुई मानते हैं, इसलिए दुर्जनों पर आक्रमण करने के लिए पुरुषार्थ का ही आश्रय लेना श्रेयस्कर है। दुर्जनों के आक्रांत हो जाने पर ही उन पर प्रयुक्त की हुई क्रिया फलवती होती है। यह सत्पुरुषों का महान व्रत है। सुजन कभी कुशंगवश अपने उत्तम स्वभाव का त्याग करने की इच्छा कर सकता है, परंतु दुर्जन कभी भी सुजन नहीं हो सकता। मेरी बुद्धि में तो ऐसा ही आ रहा है। अब आप लोग इस विषय में जैसा विचार करें। इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र ने बृहस्पति से कहा, ऐसा ही होगा। फिर वे अपने कर्तव्य के विषय में भली भांति सोच विचार कर उस देव सभा में बोले। इंद्र ने कहा, स्वर्गवासियों, आप लोग सावधानी पूर्वक मेरी बात सुने। आप लोग यज्ञ के भोक्ता, संतुष्ट आत्मा वाले, अत्यंत सात्विक, अपनी महिमा में स्थित और नित्य जगत का पालन करने वाले हैं। तथापि दानवेश्वर गण अकारण ही आप लोगों को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। उन पर साम आदि तीन नीतियों के प्रयोग से कोई लाभ है नहीं। अतः दंड नीति का ही विधान करना चाहिए। इसलिए अब आप लोग युद्ध की तैयारी कीजिए और मेरी सेना सुसज्जित की जाए। देवगण, आप लोग संगठित होकर शस्त्रों को धारण कीजिए, अस्त्र देवताओं की पूजा कीजिए और सवारियों को सुसज्जित करके रथों को जोत दीजिए। इंद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवताओं में जो प्रधान देव थे वे लोग शीघ्र ही यमराज को सेनापति के पद पर नियुक्त कर सेना को संगठित करने में जुट गए। उस युद्ध में समस्त देवताओं के साथ 10,000 घोड़े सजाए गए, जो नाना प्रकार के आश्चर्य युक्त गुणों से युक्त थे, तथा जिनके गले में सोने के घंटे शोभा पा रहे थे। मातल ने देवराज की दुर्जय रथ को सजाकर तैयार किया। यमराज अपने महिष पर सवार होकर सेना के अग्रभाग में स्थित हुए। उस समय उनके नेत्र महाप्रलय के समय प्रचंड ज्वाला से धधकते हुए आकाश की तरह धधक रहे थे, और वे चारों ओर से प्रचंड पराक्रमी किंकरों से घिरे हुए थे। अग्निदेव हाथ में शक्ति लिए हुए छाग पर आरूढ़ हो उपस्थित थे। अपने महान वेग का विस्तार करने वाले पवन देव के हाथ में अंकुश शोभा पा रहा था। स्वयं भगवान वरुण भुजगेंद्र पर सवार थे, जो राक्षसों के अधीश्वर, आकाशचारी एवं भयंकर रूप वाले हैं। जिनके हाथ में तेज तलवार शोभा पा रही थी, गदा जिनका आयुध है, जो सिंह के समान भयंकर रूप से दहाड़ने वाले हैं। वे धनाध्यक्ष देवाधिदेव कुबेर पालकी पर बैठकर समर में उपस्थित हुए।
चतुरंगिणी सेना के साथ चंद्रमा, सूर्य और दोनों अश्विनी कुमार भी सम्मिलित हुए। स्वर्ण निर्मित आभूषणों से विभूषित गंधर्वगण अपने अधिपतियों के साथ उपस्थित हुए। उनके आसन स्वर्ण निर्मित थे, उनके उपरणों में सोने की पच्चीकारी की गई थी। वे चित्र विचित्र कवच, रथ और आयुध से युक्त थे। उनके सिरों पर स्वर्गीय मयूर पिक्ष शोभा पा रहा था और उनके ध्वजों पर वैदूर्य मणि की मकराकृति बनी हुई थी। इधर महान पराक्रमी राक्षसों के उपरने जपा कुसुम के समान लाल रंग के थे, उनके बाल भी लाल थे। उनकी ध्वजाओं पर गीध के आकार बने हुए थे, वे निर्मल लोहे के बने हुए आभूषणों से विभूषित थे। उनके हाथ में मूसल, गदा और तलवार शोभा पा रहे थे। वे पगड़ी बांधे हुए रथ पर सवार थे, वे हाथी के समान विशालकाय थे और मेघ के समान भयंकर गर्जना कर रहे थे, जो ऐसा लग रहा था मानो भयंकर उल्कापात अथवा वज्रपात हो रहा हो। यक्ष लोग काला वस्त्र पहने हुए थे और उनके हाथों में भयंकर धनुष बाण शोभा पा रहे थे। वे बड़े भयंकर और स्वर्ण एवं रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित थे। उनकी ध्वजाओं पर तांबे के उलूक बने हुए थे। निशाचरों की सेना गैंडे के चमड़े का उपरना धारण किए हुए बड़ी शोभा पा रही थी। उनकी ध्वजाओं में गीधों के पंख लगे हुए थे, वे हड्डी के आभूषणों से विभूषित थे। वे आयुध रूप में मूसल धारण किए हुए थे, जिससे देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनकी सेना में बहुत से प्राणियों के भयंकर शब्द हो रहे थे। किन्नरगण श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे, उनकी श्वेत पताकाओं पर बाण के चिन्ह बने हुए थे। वे प्रायः मतवाले गजराजों पर सवार थे और तेज तोमर उनके अस्त्र थे। जलेश्वर वरुण की ध्वजा पर चांदी का बना हुआ हंस अंकित था, जिसे मुक्ता समूहों से सुशोभित किया गया था। वह भयंकर धूम से घिरे हुए अग्नि ध्वज जैसा दिख रहा था। कुबेर की ध्वजा पर पद्मराग मणि एवं बहुमूल्य रत्नों से वृक्ष की आकृति बनाई गई थी। यमराज के महान ध्वज पर काष्ठ और लोहे से भेड़िए का चिन्ह अंकित किया गया था। वह ऊंचा ध्वज ऐसा लग रहा था मानो आकाश को पार कर जाना चाहता है। राक्षसेश के ध्वज पर प्रेत का मुख शोभा पा रहा था। अमित तेजस्वी चंद्रदेव और सूर्यदेव के ध्वज पर सोने के सिंह बने हुए थे। अश्विनी कुमारों के ध्वज पर रत्नों द्वारा कुंभ का आकार बना हुआ था। इंद्र के ध्वज पर सोने का हाथी बना हुआ था, जिसे चित्र विचित्र रत्नों से सजाया गया था और वह श्वेत चमर से सुशोभित था। नाग, यक्ष, गंधर्व, महोरग और निशाचरों से भरी हुई देवराज इंद्र की वह सेना त्रिभुवन में अजेय थी। इस प्रकार उस देव सेना में देवताओं की संख्या 33 करोड़ थी। उस समय स्वर्गलोक में सहस्त्र नेत्रधारी महाबली पाक शासन इंद्र एरावत नामक गजराज पर, जो हिमालय के समान विशालकाय था, जिसके श्वेत कान चमर के समान हिल रहे थे, जिसके गले में स्वर्ण निर्मित कमलों की निर्मल एवं सुंदर माला लटक रही थी, जिसके उज्ज्वल मस्तक पर कुमकुम के पत्र भंगी की रचना की गई थी, तथा जिसके कपोल पर भ्रमर समूह क्रीड़ा करते हुए मंडरा रहे थे, बैठे हुए शोभा पा रहे थे। वे चित्र विचित्र आभूषण और वस्त्र पहने हुए थे, चमकीले वस्त्रों के बने हुए विशाल छत्र से सुशोभित थे। उनके बाजू बंद की फैलती हुई प्रभा भुजा के अग्रभाग को सुशोभित कर रही थी और हजारों बंदी उनकी स्तुति कर रहे थे। इसी प्रकार जो घोड़े और हाथियों के सैन्य समूह से व्याप्त श्वेत छत्र और ध्वज समूहों से सुशोभित अजेय पैदल सैनिकों से भरी हुई तथा नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले योद्धाओं से युक्त होने के कारण दुस्तर वह देव सेना भी अत्यंत शोभा पा रही थी। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के तारकोपाख्यान में रणयोजन नामक 148वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 149वां अध्याय देवासुर संग्राम का प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, देवताओं और असुरों के उस अत्यंत भीषण संग्राम के अवसर पर दोनों ही सेनाओं में घोर गर्जना के साथ साथ अत्यंत भयंकर संघर्ष छिड़ गया।
उस समय देवता और दैत्य सिंहनाद कर रहे थे, शंख भेरी और तुरही का शब्द हो रहा था, हाथी चिघाड़ रहे थे, यूथ के यूथ घोड़े हींस रहे थे, रथ के पहियों की घरघराहट हो रही थी और वीरों द्वारा खींची गई प्रत्यंचा के चटाचट शब्द हो रहे थे। इन सबके सम्मिलित हो जाने से अत्यंत भयानक ध्वनि होने लगी। अतिशय क्रोध से युक्त हो जीवन की आशा का त्याग कर परस्पर एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा से युक्त वीरों की दोनों सेनाएं आमने सामने घमासान युद्ध करने लगी। उस समय परस्पर अनुलोम और विलोम का क्रम नहीं रह गया। पैदल सैनिक रथी के साथ, घुड़सवार रथी के साथ, हाथी पैदल सैनिकों के साथ, कहीं एक रथी दूसरे रथी के साथ, एक हाथी दूसरे हाथी के साथ, एक हाथी बहुत से घोड़ों के साथ और अकेला पैदल सैनिक बहुत से मतवाले हाथियों के साथ जूझने लगे। तदनंतर आकाश मंडल में भाला, वज्र, गदा, ढेलवांस, कुठार, शक्ति, पटा, त्रिशूल, मुद्गर, कुड़प, गढ़, चक्र, शंकु, तोमर, चमकीले अंकुश, फलयुक्त बाण, बाण, पोला बाण, वत्सदंत, अर्धचंद्र, भाला, शतपत्र और निर्मल शुकतुंडों के प्रहार से अत्यंत अद्भुत आकार वाली वृष्टि दीख पड़ी। उससे सारी दिशाएं आच्छादित हो गईं और उसने सारे जगत को अंधकार में बना दिया। उस घोर अंधकार में वे परस्पर एक दूसरे को पहचान तक नहीं पाते थे, अतः वे बिना लक्ष्य के ही अपने भयंकर शस्त्र समूहों का प्रहार कर रहे थे। दोनों सेनाओं में परस्पर कटकर धाराशायी होते हुए वीरों को देख रहे थे। उस समय कटकर गिरे हुए या गिरते हुए ध्वजों, भुजाओं, छत्रों, कुंडल मंडित मस्तकों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिक से युद्ध भूमि इस प्रकार पट गई थी मानो आकाश रूपी सरोवर से गिरे हुए कमल पुष्पों से आच्छादित हो, जिनके दांत टूट गए थे, कुंभ स्थल विदीर्ण हो गए थे और लंबे लंबे शुंड दंड कटकर गिर गए थे। ऐसे पर्वत सदृश विशाल काय गजराज पृथ्वी पर पड़े हुए थे, जिनके शरीर से खून की धाराएं बह रही थीं, जिनके हर से पहिए और धूरे आदि विदीर्ण हो गए थे। ऐसे अनेकों रथ खंड खंड होकर पड़े थे, हजारों घोड़े भी टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे। इस प्रकार वहां रक्त से भरे हुए बहुत से गड्ढे बन गए थे, जिससे युद्ध भूमि को पार करना कठिन हो गया था। खून से भरी हुई नदियां भंवर बनाती हुई बह रही थीं, जो मांस भोजियों को हर्षोल्लसित कर रही थीं। इस प्रकार तरह तरह की लाशों से पटा हुआ वह युद्धस्थल बेतालों का क्रीड़ा स्थल बन गया था। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के तारकोपाख्यान में देवासुर युद्ध नामक 149वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 150वां अध्याय, देवताओं और असुरों की सेनाओं में अपनी अपनी जोड़ी के साथ घमासान युद्ध, देवताओं के विकल होने पर भगवान विष्णु का युद्ध भूमि में आगमन और काल नेम को परास्त कर उसे जीवित छोड़ देना। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण तदंतर रणभूमि में असुर सेनानी ग्रसन को सम्मुख उपस्थित देखकर यमराज क्रोध से क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने ग्रसन के ऊपर अग्नि के समान तेजस्वी बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अत्यंत पराक्रमी ग्रसन भी बहुसंख्यक बाणों के प्रहार से घायल होकर भयंकर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर अत्यंत भीषण 500 बाणों से यमराज को बींध डाला। उन बाणों के आघात से ग्रसन के प्रबल पुरुषार्थ का भली भांति विचार कर यमराज पुनः घोर बाण वृष्टि द्वारा ग्रसन को पीड़ा पहुंचाने लगे। तब दानवेश्वर ग्रसन ने गगनमंडल में फैली हुई यमराज की उस बाण वृष्टि को अपने बाणों की वर्षा से छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार अपनी उस बाण दृष्टि को विफल हुई देखकर यमराज अपने बाण समूहों के विषय में विचार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने उस ग्रसन के रथ पर बड़े वेग से अपना भयंकर मुद्गर फेंका। उस मुद्गर को अपनी ओर आते देख दानव नंदन ग्रसन ने रथ से उछलकर ऊपर ही ऊपर यमराज के उस मुद्गर को बाएं हाथ से पकड़ लिया और उसी मुद्गर को लेकर क्रोध पूर्वक बड़े वेग से यमराज के भैंसे पर दे मारा, जिसके आघात से वह धाराशायी हो गया।
तब यमराज उस गिरते हुए भैंसे की पीठ से उछलकर अलग हो गए। फिर तो उन्होंने भाले से ग्रसन के मुख पर गहरी चोट पहुंचाई, तब भाले के प्रहार से मूर्छित होकर ग्रसन भूतल पर गिर पड़ा। ग्रसन को धाराशायी हुआ देखकर भयंकर पराक्रमी जंभ ने भिंदिपाल ढेलवास से यमराज के हृदय पर प्रहार किया। उस प्रहार से घायल होकर यमराज मुख से खून उगलने लगे। इस प्रकार यमराज को घायल हुआ देखकर धनेश्वर कुबेर ने हाथ में गदा लेकर 10,00,000 यक्षों के साथ क्रोधपूर्वक जंभ पर धावा किया। तब क्रोधपूर्वक कुबेर को आक्रमण करते देखकर दानवों की सेना से घिरा हुआ बुद्धिमान जंभ प्रेमी द्वारा कही गई मधुर वाणी की तरह वचन बोला। इतने में ही ग्रसन की चेतना लौट आई। फिर तो उसने यमराज पर ऐसी गदा का प्रहार किया जो बड़ी वजनदार थी, जिसमें मणि और सुवर्ण जड़े हुए थे तथा जो शत्रुओं का विनाश करने वाली थी। उस अप्रत्याशित गदा को अपनी ओर आती देखकर महिषवाहन यमराज ने क्रोधपूर्वक उस गदा का प्रतिरोध करने के लिए अपने उस दंड को छोड़ दिया जो संसार का विनाश करने में समर्थ और अत्यंत भयंकर था तथा जिससे अग्नि के समान लपटे निकल रही थीं। वह दंड आकाश में गदा से टकराकर मेघ की सी गर्जना करने लगा। फिर तो दंड और गदा में दो पर्वतों की भांति दुहसह संघर्ष छिड़ गया। उन दोनों अस्त्रों के टक्कर से उत्पन्न हुई शब्द से सारी दिशाएं जड़ हो गईं और जगत प्रलय के आगमन की आशंका से व्याकुल हो गया। क्षण मात्र पश्चात शब्द शांत हो गया और उन दोनों के मध्य जलती हुई उल्का के समान प्रकाश होने लगा। उन दोनों के संघर्ष से आकाश मंडल अत्यंत भयंकर दिख रहा था। तदनंतर दंड ने गदा को तोड़ मरोड़ कर ग्रसन के मस्तक पर ऐसा कठोर आघात किया जैसे दुराचारी का अनिष्ट उसकी श्री का नाश करके उसे समाप्त कर देता है। उस प्रहार से व्याकुल हुए ग्रसन को सारी दिशाएं अंधकारमयी दिखने लगीं, अर्थात उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया। वह चेतना रहित होकर भूतल पर गिर पड़ा और उसका शरीर पृथ्वी की धूल से धूसरित हो गया। तत्पश्चात दोनों सेनाओं में भयंकर हाहाकार मच गया। तदनंतर 2 घड़ी के पश्चात जब ग्रसन की चेतना वापस लौटी तब उसने देखा कि उसका शरीर ध्वस्त हो गया है और उसके आभूषण तथा वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। फिर तो वह भी ऐसा करने वाले से बदला चुकाने का विचार करने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, मुझ जैसे बलि पुरुष के जीते जी स्वामी के परिभव के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे पराजित हो जाने पर मेरे आश्रित रहने वाली सेनाएं भी नष्ट हो जाएंगी। अयोग्य पुरुष ही स्वच्छंदचारी हो सकता है, किंतु जो पुरुष सैकड़ों बार योग्य घोषित किया जा चुका है वह स्वच्छंद नहीं हो सकता। अर्थात जिसकी जगत में कोई प्रतिष्ठा नहीं है वह स्वेच्छानुसार कार्य कर सकता है, किंतु जो सैकड़ों बार लब्ध प्रतिष्ठित हो चुका है उसे स्वामी के अधीन रहकर ही कार्य करना चाहिए। ऐसा विचार कर महाबली ग्रसन वेग पूर्वक उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। वह भयंकर विचार से युक्त था और क्रोधवश दांतों से होठ को दबाए हुए था। इस प्रकार वह शीघ्रतापूर्वक रथ पर सवार हो हाथ में कालदंड के सदृश मुद्गर लेकर रणभूमि में यमराज के निकट आ पहुंचा। युद्धस्थल में यमराज के सम्मुख आकर ग्रसन ने उस भयानक मुद्गर को बड़े वेग से घुमाकर यमराज के मस्तक पर फेंक दिया। उस प्रकाशमान मुद्गर को आते हुए देखकर यमराज के नेत्र चकमका गए। तत्पश्चात महाबली यमराज ने अपने स्थान से हटकर उस दुर्धर्ष मुद्गर को लक्ष्य से वंचित कर दिया। यमराज के दूर हट जाने पर उस मुद्गर ने यमराज के हजारों पराक्रमी एवं भयंकर कर्म करने वाले किंकरों को पीस डाला। तत्पश्चात उस भयंकर किंकर सेना को मारी गई देखकर यमराज को परम क्षोभ हुआ। तब वे नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रहार करने के लिए उद्यत हो गए। उधर ग्रसन ने उस सेना को कीकरों से व्याप्त देखकर ऐसा समझा कि यमराज की माया द्वारा रचे गए ये हजारों यमराज ही हैं। फिर तो ग्रसन सेना को रोककर उस पर अस्त्रों की वृष्टि करने लगा। उस समय वह कल्पांत के समय क्षुब्ध हुए भयंकर समुद्र की भांति क्रोध से विह्वल हो उठा।
उसने कुछ किंकरों को त्रिशूल से और कुछ को सीधे जाने वाले बाणों से विदीर्ण कर दिया, कुछ को गदा के प्रहार से और कुछ को मुद्गरों की वर्षा से पीस डाला, कुछ भयंकर भालों के प्रहार से घायल कर दिए गए, दूसरे बहुत से उसकी बाहुओं पर लटके हुए थे। इधर किंकरों में से बहुत से लोग शिलाओं द्वारा तथा अन्य कुछ लोग ऊंचे ऊंचे वृक्षों द्वारा ग्रसन पर प्रहार कर रहे थे, कुछ उसके शरीरांगों में दांत से काट रहे थे, दूसरे किंकर उसकी पीठ पर मुक्के से प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार घोर कर्मा किंकरों द्वारा पीछा किए जाने पर ग्रसन अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उसने अपने शरीर को भूतल पर गिराकर हजारों किंकरों को उसके नीचे पीस डाला, फिर उठकर कुछ किंकरों को मुक्के से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार किंकरों के साथ युद्ध करने से ग्रसन थकावट से चूर हो गया था। तब ग्रसन को थका हुआ तथा अपनी सेना को मारी गई देखकर महिषवाहन यमराज हाथ में दंड लेकर आ पहुँचे। ग्रसन ने सम्मुख आए हुए यमराज के वक्षस्थल पर गदा से प्रहार किया। तब शत्रुसूदन यमराज ने ग्रसन के उस प्रहार की कुछ भी परवाह न कर उसके रथ के अग्रभाग में जुते हुए बाघों पर क्रोधपूर्वक दंड से प्रहार किया। उस दंड प्रहार से आधे बाघों के मारे जाने पर वह रथ आधे बाघों द्वारा खींचा जा रहा था। उस समय दैत्यराज ग्रसन का वह रथ पुरुष के संशय ग्रस्त चित्त की भांति अस्थिर हो गया था, अतः दैत्यराज ग्रसन रथ को छोड़कर भूतल पर आ गया और पैदल ही आगे बढ़कर यमराज को दोनों भुजाओं से पकड़कर युद्ध करने लगा। तब यमराज भी शस्त्रों को छोड़कर बाहु युद्ध में प्रवृत्त हो गए। बलाभिमानी ग्रसन यमराज के कमरबंद को पकड़कर उन्हें घुमाते हुए दीपक की भांति वेगपूर्वक घुमाने लगा। तब यमराज भी अपनी दोनों भुजाओं से दैत्य के गले को पकड़कर उसे वेगपूर्वक भूतल से ऊपर खींचकर बड़ी देर तक घुमाते रहे। तत्पश्चात वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पीड़ित करते हुए मुक्के से प्रहार करने लगे। उस समय दैत्येंद्र ग्रसन के विशाल काय होने के कारण यमराज की भुजाएं शिथिल हो गईं। तब वे उस दैत्य के कंधे पर अपना मुख रखकर विश्राम करने की इच्छा करने लगे। यमराज को इस प्रकार थका हुआ देखकर ग्रसन उन्हें बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक कर बारम्बार रगड़ने लगा और पैरों की ठोकरों और घूंसे से तब तक मारता रहा जब तक यमराज के मुख से बहुत सारा रक्त बहने लगा। तत्पश्चात दानवराज ने यमराज को प्राणहीन देखकर उन्हें छोड़ दिया। फिर गंभीर गर्जना करने वाले दैत्यराज ग्रसन विजयी होकर सिंहनाद करता हुआ अपनी सेना में पहुंचकर पर्वत की भांति अटल होकर खड़ा हो गया। उधर क्रोध से भरे हुए जंभ ने अपने मर्म भेदी बाणों द्वारा कुबेर के सारे मार्ग दिशाएं अवरुद्ध कर दिए और उनकी सेना को काटना आरंभ किया। यह देखकर धनेश क्रोध से भर उठे। उन्होंने युद्ध भूमि में अग्नि के समान वर्चस्वी अपने हजार बाणों से दानवराज जंभ के हृदय को बीध दिया, फिर 100 बाणों से सारथी को, 10 बाणों से ध्वज को, 75 बाणों से उसके दोनों हाथों को, 10 बाणों से धनुष को, 1 बाण से उसके वाहन सिंह को और 10 तीखे बाणों से पुनः उस दानवराज को बीध दिया। इन सब बाणों में मोर के पंख लगे हुए थे तथा ये तेल में डालकर साफ किए हुए और सीधे लक्ष्य वेद करने वाले थे। धनेश के उस अत्यंत दुष्कर कर्म को देखकर जंभ का मन कुछ भयभीत हो उठा। फिर उसने हृदय में धैर्य धारण कर शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाले तीखे बाणों को हाथ में लिया। उस समय दानवराज जंभ क्रोध से भरा हुआ था। उसने अपने धनुष को कान तक खींचकर तीखे बाणों से कुबेर के वक्षस्थल को बीध दिया। फिर उनके सारथी के हृदय पर एक सुदृढ़ बाण से आघात किया और तेल में सफाए हुए एक बाण से उनकी प्रत्यंचा को काट दिया। तदनंतर क्रूर कर्मा दानवराज जंभ ने तीखे एवं मर्म भेदी 10 भयंकर बाणों से कुबेर के वक्षस्थल को पुनः घायल कर दिया। तब बुरी तरह घायल कुबेर मूर्छित हो गए। क्षण मात्र के बाद कुबेर की मूर्छा भंग हुई। तब उन्होंने धैर्य धारण कर अपने भयंकर धनुष को वेग पूर्वक खींचकर हजारों तीखे बाणों की वर्षा करते हुए दिशाओं, विदिशाओं, आकाश
पृथ्वी और असुर की सेना को ढक दिया, यहां तक कि उस बाण वर्षा से सूर्यमंडल भी आच्छादित हो गया। तब शीघ्रता पूर्वक बाण संधान करने वाले जंभ ने भी युद्ध स्थल में परम पुरुषार्थ प्रकट करके कुबेर के एक एक बाण को बहुसंख्यक बाणों से काट गिराया। दानवेंद्र के उस कर्म को देखकर धनेश अत्यंत कुपित हो उठे। तब वे नाना प्रकार के बाणों की वृष्टि करके उसकी सेना का विध्वंस करने लगे। कुबेर के दुष्कर कर्म को देखकर दानवराज जंभ ने लौह निर्मित एवं स्वर्ण जटित भयंकर मुद्गर को लेकर कुबेर के अनुचर हजारों यक्षों को चकनाचूर कर दिया। दैत्य द्वारा मारे जाते हुए वे सभी यक्ष भयंकर चित्कार करते हुए कुबेर के रथ को घेर कर खड़े हो गए। उन यक्षों को दुखी देखकर कुबेर ने अपना भीषण त्रिशूल हाथ में लिया और उससे शीघ्र ही हजारों दैत्यों को मौत के हवाले कर दिया। इस प्रकार दैत्यों का विनाश होते देखकर दानवराज जंभ क्रोध से भर गया और उसने देवताओं का मर्दन करने वाली तेज धार से युक्त फरसे से कुबेर के महान रथ को उसी प्रकार तिल तिल करके काट डाला जैसे चूहा रेशमी वस्त्र को कुतर डालता है। इससे कुबेर परम क्रुद्ध हो उठे। तब उन्होंने पैदल ही अपनी उस भयंकर गदा को जो बड़े बड़े युद्धों में गर्वीले शत्रुओं का विनाश करने वाली सभी प्राणियों के लिए अदृश्य बहुत वर्षों से पूजित नाना प्रकार के चंदनों के अनुलेपन से युक्त दिव्य पुष्पों से सुवासित निर्मल लौह की बनी हुई वजनदार अमोघ और स्वर्ण भूषित थी हाथ में लेकर जंभ के मस्तक को लक्ष्य बनाकर छोड़ दिया। विद्युत समूह से विभूषित जैसी उस गदा को अपनी ओर आती देखकर दैत्यराज जंभ उसको नष्ट करने के लिए बाणों की वृष्टि करने लगा। यद्यपि प्रचंड पराक्रमी जंभ स्वर्ण निर्मित बाजूबंद द्वारा विभूषित भुजाओं से चक्रों कुड़पों भालों भुशुंडियों और पट्टिशों का प्रहार कर रहा था, तथापि चमकती हुई वह भयंकर गदा उन सभी आयुधों को विफल कर जंभ के वक्षस्थल पर उसी प्रकार गिरी मानो पर्वत की कंदरा में विशाल उल्का आ गिरी हो। उस गदा के आघात से अत्यंत घायल हुआ जंभ रथ के कूबर पर गिर पड़ा। उसके शरीर के छिद्रों से खून की धारा बहने लगी जिससे वह चेतना रहित हो गया। जंभ को मरा हुआ समझकर भयंकर गर्जना करने वाला क्रोधी कुजंभ कुबेर के वाक्य से अत्यंत कुपित हो उठा। उसने यक्षराज के चारों ओर बाणों का जाल बिछा दिया। तदनंतर बलवान यक्षराज ने तीखे अर्धचंद्र बाणों के प्रहार से उस बाणजाल को छिन्न भिन्न कर दिया और वे उस दैत्य पर बाणों की वृष्टि करने लगे। परंतु दैत्यराज कुजंभ ने अपने तीखे बाणों से उस बाण वृष्टि को काट दिया। उस बाण वृष्टि को विफल हुई देखकर धनेश ने अपनी उस दुर्धर्ष शक्ति को हाथ में उठाया जिसमें स्वर्ण निर्मित घंटियों के शब्द हो रहे थे। उन्होंने अपने रत्न निर्मित बाजूबंद के कांति समूह से सुशोभित हाथ से उस शक्ति को आजमाकर वेग पूर्वक कुजंभ के ऊपर छोड़ दिया। उस शक्ति ने कुजंभ के दारुण हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे निर्धन पुरुष की अभिलषित धनासा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वह शक्ति उसके हृदय को विदीर्ण करके भूतल पर जा गिरी जिससे भयंकर आकृति वाला वह दानव दो घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा। मूर्छा भंग होने पर उस दैत्य ने एक लंबे एवं तेज मुख वाले पट्टिश को हाथ में लिया। उसने उस पट्टिश से कुबेर के स्तनों के मध्य भाग को इस प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे दुर्जन पुरुष अपने मर्म भेदी कठोर वाक्य से सत्पुरुष के हृदय को विदीर्ण कर देता है। उस पट्टिश के आघात से धनेश मूर्छित हो गए और रथ के पिछले भाग में बूढ़े बैल की तरह लुढ़क पड़े। उस नरवाहन कुबेर को मूर्छित हुआ देखकर निर्ध देव ने हाथ में तलवार लेकर निशाचरों की सेना के साथ वेग पूर्वक भयंकर पराक्रमी कुजंभ पर आक्रमण किया। तब दुर्धर्ष राक्षसेश्वर निर्ध को आक्रमण करते देख कुजंभ ने उन राक्षसेंद्र का वध करने के लिए अपनी सेनाओं को ललकारा। भल आदि नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण करने से भयंकर रूप वाली उस सेना को आगे बढ़ते हुए देखकर आभूषणों की कांति से उद्भासित होते हुए निर्ध देव रथ से वेग पूर्वक कूद पड़े और नीली कांति वाले म्यान से तलवार खींचकर उससे शत्रुओं के विचित्र आकार वाले
वाले मुखों को कमल पुष्प की तरह काटने लगे। उस समय दांतों से होठ को चबाने एवं भौहें टेढ़ी होने के कारण उनका मुख भयंकर दिख रहा था और प्रचंड क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। इस प्रकार लंबी भुजाओं वाले निर्दित्य रणभूमि में आगे पीछे ऊपर नीचे चारों ओर घूम घूम कर उस विशाल तलवार से दानवों को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। इस प्रकार अपनी सेना को समाप्त प्राय देखकर कुजंभ ने कुबेर को छोड़कर राक्षसेश्वर निर्दित्य पर धावा बोल दिया। इधर जब जंभ की मूर्छा भंग हुई तब उसने कुबेर के अनुचर हजारों यक्षों को जीते जी पकड़कर पाशों से बांध लिया तथा दानवों ने उनके अनेक प्रकार के मूर्तिमान रत्नों वाहनों और हजारों दिव्य विमानों को अपने अधीन कर लिया। उधर जब कुबेर की चेतना लौटी तब उस दशा को देखकर क्रोधवश उनके नेत्र लाल हो गए और वे लंबी एवं गर्म सांस लेने लगे। तत्पश्चात उन्होंने दिव्य गरुड़ास्त्र का ध्यान करके उस बाण का धनुष पर संधान किया, फिर उस शत्रुनाशक बाण को दानवों की सेना पर छोड़ दिया। पहले तो उनके धनुष से धुएं की पंक्तियां प्रकट हुई, तदनंतर उससे जलती हुई करोड़ों चिंगारियां निकलने लगीं। तत्पश्चात उस अस्त्र ने आकाश को चारों ओर से लपटों से व्याप्त कर दिया, फिर वह नाना प्रकार के रूपों में फैलकर दुर्निवार हो गया। उस समय अंधकार से आच्छादित होने के कारण सारा जगत रूप रहित सा दिखाई पड़ने लगा। तब आकाश मंडल में स्थित देवगण उस उत्कृष्ट तेज की प्रशंसा करने लगे। यह देखकर परम पराक्रमी दानव राज जंभ सिंहनाद करता हुआ पैदल ही वेगपूर्वक कुबेर पर चढ़ दौड़ा। इस प्रकार उस दैत्य को अपनी ओर आता हुआ देखकर कुबेर घबरा उठे और रणभूमि से भाग खड़े हुए। भागते समय उनका रत्न जटित उद्दीप्त मुकुट इस प्रकार भूतल पर गिर पड़ा मानो आकाश से सूर्य का बिंब गिर पड़ा हो। रणभूमि से स्वामी के पलायन कर जाने पर उनके आभूषणों के समक्ष उत्तम कुल में उत्पन्न हुए वीरों का संग्राम के मुहाने पर मर जाना उचित है, ऐसा निश्चय कर दुर्धर्ष यक्ष हाथों में नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र धारण कर युद्ध की अभिलाषा से युक्त हो उस मुकुट को घेर कर खड़े हो गए। क्योंकि कुबेर के अनुचर वे वीरवर यक्ष स्वाभिमान के धनी थे, तदनंतर उन्हें इस प्रकार युद्धोन्मुख देखकर प्रचंड पुरुषार्थी दानव राज जंभ अमर्ष से भर गया। तब उसने पर्वत की सी गंभीर एवं भयंकर आकार वाली भुशुंड लेकर उससे मुकुट के रक्षक निशाचरों को पीस डाला। इस प्रकार उनका संहार कर वह देवशत्रु दानों ने उस मुकुट को अपने रथ पर रख लिया। तत्पश्चात सिंह के समान पराक्रमी दैत्येंद्र जंभ युद्ध भूमि में कुबेर को जीतकर सैनिकों के सभी आभूषणों संपत्तियों तथा मूर्तिमान रत्नों को लेकर अपनी सेना की ओर चला गया। इधर कुबेर बाल बिखेरे हुए दीन भाव से देवराज इंद्र के निकट चले गए। उधर असुर नंदन राक्षसेश्वर निर्दित्य अपनी अमोघ राक्षसी माया का आश्रय लेकर कुजंभ के साथ भिड़े हुए थे। उन्होंने जगत को अंधकारमय बनाकर दैत्यराज कुजंभ को मोह में डाल दिया। उससे दानवों की सेना में किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था, वे एक पग से दूसरे पग भी चलने में असमर्थ हो गए थे। तब उन्होंने अनेकों अस्त्रों की वर्षा करके घने कुहासे के अंधकार से व्याकुल हुए वाहनों वाली दानवों की उस विशाल सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार दैत्यों के मारे जाने एवं कुजंभ के किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाने पर प्रलयकालीन मेघ के समान शरीर वाले दानवेंद्र महिष ने उल्का समूह से सुशोभित सावित्र नामक अस्त्र को प्रकट किया। उस प्रतापशाली सावित्र नामक परमास्त्र के प्रकट होते ही सारा निविड़ अंधकार नष्ट हो गया। तत्पश्चात उस अस्त्र से चिंगारी निकलने लगी जिन्होंने संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर दिया। उस समय सारा जगत शरद ऋतु में खिले हुए लाल कमल समूह से व्याप्त निर्मल सरोवर के भांति शोभा पाने लगा। इस प्रकार अंधकार के नष्ट हो जाने पर जब दैत्येंद्रों को पुनः नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई
तब वे क्रूर मन से देव सेना के साथ अद्भुत संग्राम करने लगे। क्रोध से भरे हुए दैत्य शस्त्रों का प्रहार तो कर ही रहे थे, साथ ही उन्होंने भुजंगास्त्र का भी प्रयोग किया। तदनंतर कुजंभ ने अपना भयंकर धनुष और सर्प विष के समान विषैले बाणों को लेकर शीघ्र ही राक्षस राज की सेना पर धावा किया। तब अनुचरों सहित राक्षसेंद्र निरृति ने उस दैत्य को आक्रमण करते देखकर उसे विषैले सर्पों के समान भीषण एवं तीखे बाणों से बीध दिया। उस समय वे इतनी फूर्ति से बाण चला रहे थे कि बाणों का लेना, संधान करना और छोड़ना दिख नहीं पड़ता था। विचित्र कर्म करने वाले राक्षसेश्वर ने बड़ी फूर्ति से अपने बाणों द्वारा उस देवद्रोही दैत्य के बाण समूहों को काट दिया और अत्यंत तेज बाण से उसके ध्वज को भी काट गिराया। साथ ही एक भाला मारकर उसके सारथी को भी रथ पर बैठने के स्थान से नीचे गिरा दिया। युद्ध स्थल में राक्षसेश्वर के उस कर्म को देखकर कुजंभ के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तब उस दानों ने वेग पूर्वक रथ से कूदकर शरतकालीन आकाश की भांति निर्मल तलवार और उदयकालीन चंद्रमा के समान 10 चिन्हों से सुशोभित ढाल हाथ में उठा लिया। फिर तो वह दैत्य रणभूमि में बड़े पराक्रम से राक्षसेश्वर की ओर झपटा। उसे निकट आया हुआ देखकर राक्षसेश्वर ने उसके हृदय पर मुद्गर से प्रहार किया। उस प्रहार से कुजंभ क्षतिग्रस्त होकर विक्षुब्ध हो उठा। उस समय वह धैर्यशाली दानव निश्चेष्ट होकर पर्वत की तरह खड़ा रह गया। दो घड़ी बाद आश्वस्त होने पर अत्यंत दुर्जय दानवेश्वर ने रथ पर आरूढ़ हो बाएं हाथ से राक्षसेश्वर को पकड़ लिया। तब क्रोध से भरा हुआ दैत्य कुजंभ निरृत के बालों को पकड़कर और घुटनों से दबाकर खड़ा हो गया तथा तलवार से उनका सिर काट लेने के लिए उद्यत हो गया। इसी बीच जलेश वरुण देव ने शीघ्र ही अपने पास से दानवेंद्र की दोनों भुजाओं को बांध दिया। इस प्रकार दोनों भुजाओं के बंध जाने पर दैत्य का पुरुषार्थ विफल कर दिया गया। तदनंतर पाशधारी वरुण ने दया को तिलांजलि देकर उस दैत्य पर गदा से प्रहार किया। उस गदाघात से घायल होकर कुजंभ मुख, नाक, कान आदि छिद्रों से रक्त वमन करने लगा। उस समय उसका रूप ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विद्युत समूहों से आच्छादित मेघ हो। कुजंभ को ऐसी दशा में पड़ा देखकर क्षीण दाढ़ों से युक्त एवं विकराल मुख वाला महिषासुर अपने गहरे मुख को फैलाकर वरुण और निरृत इन दोनों देवताओं को निगल जाने का प्रयास करने लगा। तब वे दोनों देव उस दैत्य के क्रूर अभिप्राय को समझकर भयभीत हो गए और बड़ी शीघ्रता से महिषासुर के रथ मार्ग को छोड़कर हट गए। फिर भय से व्याकुल होकर दोनों बड़े वेग से दो भिन्न दिशाओं की ओर भाग चले। उनमें निरृत ने तो तुरंत ही भागकर इंद्र की शरण ग्रहण की, उधर कुपित महिषासुर ने वरुण का पीछा किया। इस प्रकार वरुण को मौत के मुख में पड़ा हुआ देखकर शीत रश्मि चंद्रमा ने अपने सोमास्त्र को प्रकट किया जो हिम समूह से व्याप्त होने के कारण अत्यंत दुस्सह था। उसी समय चंद्रमा ने अपने दूसरे अनुपम अस्त्र वायव्यास्त्र का भी प्रादुर्भाव किया। चंद्रमा द्वारा छोड़े गए उस वायव्यास्त्र एवं सूखे हिमास्त्र से सभी दानव व्यथित हो उठे। वे शीत से जर्जर हो गए और उनका पुरुषार्थ जाता रहा। चंद्रमा द्वारा चलाए गए अस्त्रों से महान हिमराश के गिरने से समस्त दानव न तो एक पग चल सकते थे और न अस्त्र ही उठाने में समर्थ थे। इस प्रकार चारों ओर असुर सैनिकों के शरीर शीत से ठिठुर गए। शीत से कांपते हुए मुख वाला महिष भी प्रयत्नहीन हो गया। वह अपने दोनों हाथों से दोनों कानों को दबाकर नीचे मुख किए हुए बैठ गया। इस प्रकार चंद्रमा से पराजित हुए वे सभी दैत्य बदला चुकाने में असमर्थ हो गए। तब वे युद्ध की अभिलाषा को दूर छोड़कर जीवन की रक्षा के लिए खड़े रहे। इसी बीच क्रोध से उद्दीप्त हुए काल नेम ने दैत्यों को ललकारते हुए कहा, भो भो श्रृंगार से सुसज्जित शूरवीरों, तुम सभी शस्त्रास्त्र के पारगामी विद्वान हो। तुम लोगों में से एक एक भी अपनी भुजाओं से सारे जगत को तौल सकता है तथा प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण चराचर जगत को निगल जाने में समर्थ है। सब के सब प्रबल पराक्रमी देवता एक साथ मिलकर भी यत्नपूर्वक तुम लोगों
में से किसी एक की 16वीं कला की समता नहीं कर सकते, फिर भी तुम लोग समर भूमि में देवताओं से पराजित होकर क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, ऐसा करना शूरवीरों के लिए, विशेषतया दैत्यवंशियों के लिए उचित नहीं है। सारे संसार का संहार करने में समर्थ हम लोगों का राजा तारकासुर यहाँ उपस्थित नहीं है। वह क्रुद्ध होकर इस युद्ध से भागे हुए लोगों के प्राणों का हरण कर लेगा। उस समय शीत के प्रवाह से उन दैत्यों की श्रवण शक्ति और वाक चातुरी नष्ट हो गई थी। वे मूक हो गए थे तथा उनके दांत कटकटा रहे थे। महासुर कालनेमि ने उन दैत्यों को इस प्रकार शीत द्वारा व्यथित और चेतना रहित देखकर इस कार्य को काल द्वारा प्रेरित माना। फिर तो उसने आसुरी माया का आश्रय लेकर अपने विशाल शरीर का विस्तार किया और उससे आकाश मंडल, दिशाओं और विदिशाओं को व्याप्त कर लिया। फिर उस दानवेंद्र ने अपने शरीर में 10,000 सूर्यों का निर्माण किया। उसने माया के बल से दसों दिशाओं को प्रचंड अग्नि से पूर्ण कर दिया, जिससे क्षण मात्र में सारी त्रिलोकी अग्नि की लपटों से व्याप्त हो गई। उस ज्वाला समूह से चंद्रमा शांत हो गए। तदनंतर कालनेम की माया से दानवेंद्रों की वह सेना क्रमशः शीत रूपी दुर्दिन के नष्ट हो जाने पर शोभा पाने लगी। इस प्रकार दानवों की सेना को चेतना युक्त देखकर जगत के एकमात्र नेत्र स्वरूप सूर्य क्रोध से तिलमिला उठे। तब उन्होंने अरुण से कहा। सूर्य बोले, अरुण, मेरे रथ को शीघ्र ले चलो। जहाँ कालनेम का रथ खड़ा है, वहाँ मेरा उसके साथ शूरवीरों का विनाश करने वाला भीषण संग्राम होगा। जिनके बल पर हम लोग निर्भर थे, वे चंद्रदेव तो इस युद्ध में परास्त हो गए। इस प्रकार कहे जाने पर गरुड़ के अग्रज अरुण ने श्वेत कलंगियों से विभूषित एवं प्रयत्नपूर्वक वश में किए गए अश्वों से जुते हुए रथ को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात जगत को उद्भासित करने वाले महाभाग भगवान सूर्य ने अपना विशाल धनुष तथा सर्प की सी कांति वाले दो दिव्य बाणों को हाथ में लिया। उनमें से एक बाण को संचारास्त्र से संयुक्त करके चलाया तथा दूसरे को इंद्रजाल से युक्त करके छोड़ दिया। संचारास्त्र के प्रयोग से क्षण मात्र में ही लोगों के रूपों का परिवर्तन हो गया। देवता दानवों के और दानव देवताओं के रूप में बदल गए। फिर तो दानव देवताओं को आत्मीय मानकर दैत्यों पर ही फूर्ति से प्रहार करने लगे। प्रलय काल में कृतांत के समान क्रोध से भरा हुआ कालनेम किन्हीं को तीखी तलवार से, किन्हीं को बाणों की वृष्टि से, किन्हीं को भयंकर गदाओं से और किन्हीं को भीषण कुठारों से मार गिराया तथा किन्हीं के मस्तकों, भुजाओं और सारथी सहित रथों को धाराशायी कर दिया। उस प्रचंड वेगशाली दैत्य ने किन्हीं को रथ के वेग पूर्वक धक्के से पीस दिया तथा किन्हीं को क्रोध पूर्वक कठोर मुक्के के प्रहार से यमलोक का पथिक बना दिया। उस समय देवताओं से पराजित हुए बहुत से दैत्यों को अपने रूप की प्राप्ति हो चुकी थी, अतः क्रोध से भरा हुआ कालनेम उनके रूप को नहीं जानता था। इस प्रकार रणभूमि में अपने पक्ष के उन दैत्यों को मारा गया देखकर दानवराज नेम दैत्य ने कालनेम से कहा, कालनेम, मैं नेम नाम का असुर हूँ, देवता नहीं हूँ, तुम मुझे पहचानो। माया से मोहित होने के कारण तुमने युद्ध स्थल में बहुत से प्रचंड पराक्रमी दैत्यों का सफाया कर दिया है। देवताओं ने इस युद्ध में 10,00,000 दुर्जय दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया है। इसलिए अब तुम शीघ्रता पूर्वक सभी अस्त्रों के निवारण करने वाले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। इस प्रकार नेम द्वारा समझाए जाने पर दैत्यराज कालनेम का चित्त संभ्रम के कारण व्याकुल हो गया। तब उसने बाण को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके धनुष पर संधान किया तथा उस सुरकंटक दैत्येंद्र ने स्वयं उसे छोड़ भी दिया। फिर तो उस अस्त्र के तेज से चराचर सहित त्रिलोकी व्याप्त हो गई। देवताओं की सारी सेना भयभीत हो गई तथा युद्ध भूमि में संचारास्त्र स्वयं शांत हो गया। उस अस्त्र के विफल हो जाने पर सूर्य का तेज नष्ट हो गया। तब उन्होंने महेंद्र जाल का आश्रय लेकर अपने शरीर को करोड़ों रूपों में प्रकट किया। उन रूपों से निकलती हुई किरणों के गिरने से तीनों लोक आक्रांत हो गए।
उससे मज्जा और रक्त से रहित दानवों की सेना संतप्त हो उठी। तत्पश्चात सामर्थ्यशाली सूर्य देव ने चारों ओर अग्नि की अत्यंत घोर वृष्टि की और दानवेंद्रों के नेत्रों को अंधा कर दिया। हाथियों की मज्जाएं गल गईं और वे चुपचाप धाराशायी हो गए। धूप से पीड़ित हुए घोड़े लंबी सांस खींचने लगे। प्यास से व्याकुल हुए रथी भी इधर उधर पानी की खोज करते हुए छायादार वृक्षों और पर्वतों की गुफाओं की शरण लेने लगे। उस समय दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी, जिसकी भयंकर ज्वाला ने वृक्षों को जलाकर भस्म कर दिया। जलाभिलाषी लोग सामने ही हिलोरे लेते हुए जल से भरे हुए जलाशय को देखकर सामने स्थित रहने पर भी दावाग्नि से पीड़ित होने के कारण प्राप्त नहीं कर सकते थे। अतः जल न पीकर मुख फैलाए हुए भूतल पर गिरकर चेतना रहित हो जाते थे। भूतल पर जगह जगह मरे हुए दैत्येश्वर दिखाई पड़ते थे। कहीं कहीं टूटे हुए रथ तथा मरे हुए हाथी और घोड़े पड़े हुए थे। कहीं कुछ लोग बैठकर रक्त उगल रहे थे और कुछ दौड़ लगा रहे थे, जिनके शरीर से रक्त मज्जा और चर्बी टपक रही थी। कहीं हजारों की संख्या में मरे हुए दानव दिख रहे थे। दानवेंद्रों के उन महान विनाश के उपस्थित होने पर कालनेम क्रोध से बिह्वल हो उठा। प्रचंड क्रोध के कारण उसके नेत्र लाल हो गए। उसकी शरीर कांति प्रलयकालीन मेघ के समान हो गई। वह उमड़ते हुए सैकड़ों जलाशयों के सदृश उछल पड़ा और गंभीर रूप से ताल ठोंक कर एवं सिंहनाद करके जगत के प्राणियों के हृदय को कंपित कर दिया। फिर उसने आकाश मंडल को आच्छादित कर सूर्य की माया को नष्ट कर दिया। तदनंतर दानवेंद्र की सेना पर शीतल जल की वर्षा होने लगी। दैत्यगण उस वृष्टि का अनुभव कर क्रमशः उसी प्रकार समाश्वस्त हो गए, जैसे भूतल पर सूखते हुए बीजांकुर जल वृष्टि से हरे भरे हो जाते हैं। तत्पश्चात दुर्जय एवं महान असुर कालनेम मेघ रूप होकर देवताओं की सेना पर भीषण शस्त्र वृष्टि करने लगा। प्रचंड पराक्रमी दैत्येंद्रों की उस वाण वर्षा से पीड़ित हुए देवगणों को शीत से पीड़ित गौओं की तरह कोई आश्रय स्थान नहीं दिख रहा था। वे अस्त्र छोड़कर अपने अपने हाथियों और घोड़ों की पीठों पर चिपक कर छिप गए। कहीं कहीं भयभीत हुए देवगण रथों में लुक छिप रहे थे। कुछ अन्य देवताओं के शरीर भय से सिकुड़ गए थे। वे भयवश अपने हाथों से मुखों को ढके हुए दसों दिशाओं में इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। इस प्रकार उस देव विनाशक भीषण संग्राम में शस्त्रों के आघात से जिनकी अंग संधियां छिन्न भिन्न हो गई थीं, भुजाएं कट गई थीं, मस्तक विदीर्ण हो गए थे तथा जंघा और जनु कट गए थे, ऐसे सैनिक टूटे हुए हरसे वाले रथ और चूर चूर हुए ध्वजाओं की कतारें भूतल पर पड़ी हुई दिख रही थीं, जिनके शरीर से बहते हुए रक्त से गड्ढे भर जाते थे, ऐसे विदीर्ण अंगों वाले घोड़ों और पर्वत सदृश विशालकाय गजराजों से पटी हुई वह रणभूमि विकृत और विभत्स दिखाई पड़ रही थी। इस प्रकार उस युद्ध में महाबली महासुर कालनेम दैत्य ने दो ही घड़ी में 1,00,000 गंधर्वों, 5,00,000 यक्षों, 60,000 राक्षसों, 3,00,000 वेगशाली किन्नरों तथा 7,00,000 प्रधान प्रधान पिशाचों को काल के हवाले कर दिया था। इनके अतिरिक्त उसने निर्भय होकर अन्य देव जातियों के असंख्य वीरों का संहार किया तथा अस्त्र विद्या निपुण कालनेम ने विचित्र ढंग से अस्त्रों के प्रहार से करोड़ों देवताओं को यमलोक का पथिक बना दिया। उस समय इस प्रकार की भयंकर पराजय और देवताओं का संहार उपस्थित होने पर चित्र विचित्र अस्त्र और उज्जवल कवच से सुसज्जित हो दोनों देवता अश्विनी कुमार क्रोध से भरे हुए समर भूमि में आगे बढ़े और कृतांत एवं अग्नि के समान पराक्रमी उस दैत्य पर प्रहार करने लगे। उस भयावनी आकृति वाले भयंकर असुर को रणभूमि में सम्मुख पाकर एक एक ने तीखे अग्रभाग वाले 60-60 बाणों से उसके मर्म स्थान पर आघात किया। उन दोनों अश्विनी कुमारों के बाण प्रहार से उसका चित्त कुछ दुखी हो गया। फिर उसने 8 अरों वाले चक्र को हाथ में लिया, जो तेल में सफाया हुआ तथा रण में अंतक के समान विकराल था।
उसने उस चक्र से अश्विनी कुमारों के रथ के कुबर को काट गिराया। तत्पश्चात उस दैत्य ने धनुष और सर्प के समान जहरीले बाणों को उठाया और आकाश मंडल को बाणों से आच्छादित करके उन दोनों देव वैद्यों के मस्तकों पर बाण दृष्टि प्रारंभ की। तब उन दोनों देवों ने भी अपने तीखे अस्त्रों से उस दैत्य के बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन दोनों के उस कर्म को देखकर आश्चर्यचकित हुआ कालनेम क्रुद्ध हो उठा। फिर तो उसने बड़े क्रोध से अपने भयंकर मुद्गरों को, जिसका सर्वांग भाग लोहे का बना हुआ था तथा कालदंड के समान अत्यंत भीषण था, हाथ में लिया और बड़े वेग से घुमाकर उसे अश्विनी कुमारों के रथ पर फेंक दिया। आकाश मार्ग से उस मुद्गर को अपनी ओर आते देखकर दोनों अश्विनी कुमार अपने अपने रथ को छोड़कर बड़े वेग से भूतल